नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको चिकन जलफ्रीजी बनाना सिखाएंगे। चिकन जलफ्रीजी बनाने के लिए जिन अज्जा की जरूरत है उसमें चिकन आधा किलो बोनलेस, प्याज चॉप्ड एक अदद, शिमला मिर्च 3 अदद, येलो ग्रीन और रेड कलर में, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, टमाटो पेस्ट 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 2 टेबल स्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून और चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, ऑयल 1/2 कप। बनाने का तरीका, सबसे पहले चिकन को धोकर खुश कर लें, उसके बाद प्याज को चॉप कर लें, शिमला मिर्च और टमाटर को जूलियन कट लंबाई में कटिंग कर लें। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालें और ऑयल डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करें। जब अदरक लहसुन में से खुशबू आने लगे तो इसमें आप चिकन के पीसेस को डाल दें और स्टर फ्राई कर लें। अब साथ ही इसमें प्याज शामिल करके इसको अच्छी तरीके से पकाएं। इसके बाद आप इसमें सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और नमक शामिल करके इस चिकन को अच्छी तरह भूनें और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि इससे मसाला जले ना और भुन भी जाए। अब आप इसमें टमाटो पेस्ट जो हमने निकाला था उसको शामिल करें। टमाटो पेस्ट को शामिल करने के बाद आप इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर को शामिल कर लें। इसके बाद इसको थोड़ी हल्की आंच पर उस वक्त पकाएं जब तक कि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जब चिकन टेंडर हो जाए तो अब आपने इसमें टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर देना है और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर डालकर थोड़ा सा भूनना है और फिर आंच थोड़ी हल्की करके इसको दम पर पकाएं। जब टमाटर और शिमला मिर्च अच्छी तरह से पकने लगे तो आपने गरम मसाला पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख लीजिएगा कि आपको इसमें कितना शोरबा पसंद है। अगर आपको थोड़ा शोरबा ज्यादा चाहिए तो इसमें आप 1/2 प्याली पानी शामिल कर सकते हैं और पानी शामिल करके उसको थोड़ा तेज आंच पे पकाएं, फिर हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट दम देके चूल्हा बंद कर लें। अब सर्विंग डिश में इस सालन को निकाल लें और गरम गरम बॉइल्ड राइस के साथ या वेजिटेबल राइस या पर चिकन फ्राइड राइस के साथ पेश करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।